सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण हुआ। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार का एक्शन प्लान देश के सामने रखा। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों, जवानों और गरीबों के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अभिभाषण के दौरान वह मोबाइल देखते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के करीब एक घंटे लंबे अभिभाषण के दौरान पहले 24 मिनट तक राहुल गांधी अपने मोबाइल में ही बिजी रहे। 24 मिनट मोबाइल पर स्क्रॉल और कुछ टाइप करने के बाद फिर आगे 20 मिनट तो वो बगल में बैठी सोनिया गांधी से कुछ बातचीत करते रहे, जबकि इस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था। राहुल गांधी ने एक बार भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मेज नहीं थपथपाई, सिर्फ आखिर में एक सेकंड के लिए मेज को छुआ। मगर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने लगभग 6 बार मेज थपथपाई। 17वीं लोकसभा में अधिक महिला सांसदों के चुने जाने और मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने पर भी सोनिया ने मेज थपथपाई, लेकिन राहुल अपना मोबाइल देखते रहे। कोविंद का भाषण खत्म हुआ तो राहुल चलने लगे। तब सोनिया ने उनको इशारा किया कि राष्ट्रपति अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। जब राष्ट्रपति राहुल गांधी के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद नमस्कार करके हाथ आगे बढ़ाया, जिसके बाद राहुल ने महामहिम से हाथ मिलाया।